हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन के बारे में। जैसे कि हम शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। और आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी पर जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन। तो इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपका यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अलाउ एक्सेसिबिलिटी फॉन्ट शॉर्टकट टू बी एक्सेस फ्रॉम द लॉक स्क्रीन, यानी कि आप इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको अपना एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का यूज़ करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे, अलाउ करेंगे और ओके करेंगे और आपका ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी बटन प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम बटन, यानी कि आप देख सकते हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर शॉर्टकट ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर शॉर्टकट हो जाते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टकट फ्रॉम लॉक स्क्रीन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं लॉक स्क्रीन। इस तरीके से लॉक कर सकते हैं, ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।